الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. तमाम तरीके के लिए जिसने सफाना आलम वजूद बख्शा दूसरे साहब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने इस दुनिया में आकर हक का बोलबाला किया। सलाम मोहतरम, उसको ये चल रही थी हजरत इब्राहिम आला नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाब में ये दिखाया गया कि आप अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। और फिर हजरत इब्राहिम ने जब अपने बेटे से पूछा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं तो बताएं आपकी क्या राय है। यहाँ तक गुफ्तगू हुई थी, उसके अंदर जो हासिल होने वाला सबक था पहला तो ये था इंसान का यह फैसला होना चाहिए कि औलाद देने वाली जात वो बेटे दे या बेटियां दे या दोनों दे या दोनों से महफूज रखे, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। इंसान के अपने बस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात का करम और एहसान होता है कि जिसको इस नेमत से नवाजता है उसकी क्या हिम्मतें होती हैं, जिनको इस नेमत से महरूम रखता है इंसान को इस बार बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये हुई थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर ये बात आई थी, ख्वाब देखी वो इसको ख्याल भी समझ सकते थे कि ठीक है ख्याल है आया खत्म हो गए लड़ गए, कुछ एक सोच थी ख्वाब आया कि होगा अल्लाह ने
नजर नहीं आया, नजर जिब्राइल हुक्म लेकर नहीं आए थे, जो वही का एक तरीका था, बाकायदा एक मारूफ तरीका जो है वही का, कैसे जिब्राइल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम लेकर आते हैं और बताते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है, ऐसा भी कुछ नहीं था। अगर वो इसको झड़क देते तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अंबिया का ख्वाब ये सच्चे होने का हुआ करते हैं, अंबिया के ख्वाब होते हैं सच्चे होते हैं। तो हजरत इब्राहिम समझ गया कि एक ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए उन्होंने बाकायदा इरादा किया, बेटे से बात की कि बताओ मैं तुम्हारी क्या राय। तो बात एक ये भी समझ में आई थी कि अपनी औलाद के ऊपर कोई फैसला मुसल्लत नहीं करना चाहिए कि हमारा ये फैसला है अब हम इसको मुसल्लत करते हैं तुम्हारे ऊपर, ऐसा नहीं, बाकायदा उनसे मशवरा होना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, उनके जज्बात क्या है उसको समझना चाहिए, अगर वो गलत है तो उनको समझा सकते हैं इंसान, और अगर ठीक है तो किराए का इंतजाम करना चाहिए, कृपया दबा देना चाहिए। तो वालदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी थी कि वो जब भी कोई फैसला करें उस फैसले के अंदर सिर्फ अपनी जात को ना देखें, अपने खानदान चीजों पाने पर अपने नाम को ना देखें, बल्कि उस फैसले के अंदर अपनी औलाद के साथ शरीक करें कि हम ये फैसला करने लगे हैं, वो औलाद के हवाले से हो या घर के मामला के हवाले से उनको शरीक करना चाहिए किसी न किसी दर्जे में। ये भी जरूरी नहीं है कि सारा पैसा चक्का खोल के सामने रख दिया जाए, लेकिन किसी न किसी दर्जे में अपनी उनकी उम्र के हिसाब से उनको उस मशवरे में लाजमी शरीक करना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी इस घर के अंदर कोई अहमियत है, कोई मुकद है। अब नहीं जब अपने बेटे से पूछा तो बेटे का जवाब दिया, हैरान का जवाब था। अच्छी जो गुफ्तगू हुई बाप और बेटे की, अल्लाह ने इसको कुरान के अल्फाज बना दिया, ऐसी कमाल की गुफ्तगू थी, ऐसी शानदार और जबरदस्त गुफ्तगू थी कि अल्लाह ने उसको उनकी गुफ्तगू को कुरान के अल्फाज बना दिया। बेटे से जब पूछा तो बेटे का इफ़हान ना तुम्हें अब्बाजान जो आपको हुक्म मिला है आप वो कर गुजरे, मेरा क्या फैसला है, मेरी क्या राय है, मेरा क्या क्या ख्याल है, तो जो बने आप जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आपको मिला है आप वो कर गुजरे। अब अंदाजा लगाएं कि छोटा बेटा है, चलने फिरने के काबिल हुआ, गुफ्तगू के काबिल हुआ है, और इतनी बड़ी बात उसने कह दी कि मेरे बाप कह रहा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, वो ये बात समझ रहा है कि ज़िबा क्या होता है, गले में छुरी चलेगी, जान निकल जाएगी, दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, इसके बावजूद वो कह रहा है कि इफ़अल मा तुमर, आपको जो हुक्म किया जा दिया जा रहा है वो कर गुजरे। हमारे यहाँ अगर बाप बच्चे को थोड़ी सी फिक्र कर के उसके मिजाज से मिलाप बात कर दे तो बेटे के रिएक्शन क्या होता है, कुछ और ना हो तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही कब चक्कर हूँ कर देते हैं और क्या इसको देखो, इसको तो जदीद तकाजों का पता ही कोई नहीं है, इसको तो दुनिया कहाँ जा रही है और ये बाप मुझे क्या कह रहे हैं, और मेरे दोस्तों के सामने इसे मुझे जलील कर दिया, तो इस अजीब और गरीब किस्म के वाकयात सामने आते हैं। अभी तेरी बीवी बात है, शायद आए शायद दरस कुरान में इस वाक्य का जिक्र किया था, उन्होंने बताया कि हमारे एक अजीज है और बड़े परेशान थे, क्या बोल गई थी, हमारे एक अजीज है, माँ बाप दोनों उसके मेहमान है, शादी शुदा है, और बाप क्या बोल कबर को बेचार पे के मेहमान उसकी बहुत ज्यादा मेहमान रहती है, और बाप ने उसको एक बकायदा घर बना के दिया, शादी के बाद की अपनी बेगम को लो यहाँ पर इसका मिल अलग कर दिए। अब पहले तो उसको ये तरह था कि हम साथ रह रहे हैं और हम इनको देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ा उसको तरह था, उन्होंने घर बना के दिया। अब चल गए बाप है 12-14 साल से और कोई काम काज नहीं है, तो फिर आपको अंदाजा लगे कि किस हिम्मत में मुजाहरा उसने किया हुआ कि घर बना के दिया।
अब ये वो बताते झगड़ा इस बात में कि जो घर बनाया है, बेटा ये कह रहा है कि घर के अंदर मेटेरियल क्यों गलत लगा, ठीक नहीं लगा, दोनों मेटेरियल लगा के मुझे घर बना के दिया बाप ने। और इस बात का इश्तेहार में आ जाता है कि वो बाप को मारने के लिए दौड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है। एक ये तरबियत है, एक ये तरबियत है कि बाप कह रहा है कि मैंने आपको सेवा करना है और बेटा कह रहा है कि फाइल का हुक्म आपको हुक्म दिया जा रहा है कि मुझे सेवा करें, आप कर दो नहीं है काम। इसमें बड़ा फर्क क्या है? अभी जो बेटा जिसकी मैंने बात की सरकारी मुलाजिम है, माशाल्लाह अच्छी खासी उसकी तनख्वाह है, ठीक ठाक, एक बच्ची है और दो बहू है, लेकिन उसका गुजारा उसके अंदर नहीं होगा। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि फान मातो पर आपने सेवा करना कर दे, जो हुक्म आपको मिला वो कर बोल रहे। और यहाँ पे हालत क्या चल रही है आज भी, अगर इस सिलसिले को लिया जाए यहाँ से ये तरबियत मिलती है, यहाँ से अंबिया कराम की तारीफ की तरबियत होती है, वहां के सिलसिले को लिया जाए तो वहां के तरबियत यात्रा जो इस वक्त अफराद है उनको भी आप देखेंगे तो अपने माँ बाप के बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और जो तरबियत यहां से आई है, जो तरबियत इस निजाम से चल के इस बच्चे तक पहुंची है, वहां की आप हालत देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि सरकार दाने की जो रिपोर्ट दर्ज हुई वो क्या थी। सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे यहां तरबियत गाहें नहीं रही, तरबियत का कोई निजाम नहीं है। हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं समझते हैं बस यही तरबियत है, और फिर जिस निजाम में तालीम के साथ उनको जोड़ दिया जाता है और फिर बेलगाम छोड़ दिया जाता है, ये सबसे बड़ी खराबी है। दुनियावी तालीम और असली तालीम की मुखालफत नहीं होती, लेकिन उसमें जो बेलगाम फिर औलाद को छोड़ दिया जाता है उसकी मुखालफत होती है। आप असली तालीम दिलवाएं बच्चों को, लेकिन साथ जरूर उनको दीनी तालीम का कुछ हिस्सा पढ़ाएं, उनको ऐसे लोगों के साथ उठाएं बिठाएं कि जो इन उलूम के साथ वाबस्ता हो, जो उलूम नबुव्वत है। स्कूल के अंदर यहीं पे नहीं सिखाया जाएगा, यहीं पे नहीं पढ़ाया जाएगा। यहां पे बताए आपने मां की कितनी खिदमत की, और मां के कदमों का भी जन्नत है, और मां के आगे उसका भी नहीं कहना, और मां जो कह रहे हो तुम्हारे लिए हर पे आखिर है, और बाप जो है वो जन्नत की कुंजी है। इस तरह की चीजें कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताएगा कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अगर बाप राजी है तो रब राजी है, बाप नाराज है तो रब नाराज है, और अगर मां की नाराजगी हो तो सहाबी है तभी कलमा याद नहीं आएगा मौत के वक्त। आपने सलाम ने क्या हुक्म दिया, लकड़ियां जमा करो आग लगा दो, आखिरी वक्त है, नहीं निकल रही सहाबी रसूल है, बहुत बड़ा दर्जा है, कलमा याद नहीं आ रहा, रूह नहीं निकल रही। आपने सलाम सलाम को बताया गया तकलीफ के अंदर है, मां से जब बाप इशारा गुफ्तगू भी पता चला कि मां नाराज है, तो मां की नाराजगी आपने सलाम सलाम में फैसला से सुना दिया, लड़के जमा करो आग लगाओ इसको आग लगाओ। ये चीजें तो स्कूल में नहीं बताई जाती, असली तालीम और असली तालीम की जो दर्जियां है वहां में कुछ नहीं बता हुआ। असली तालीम जरूर इतना फिर कह रहा, लेकिन साथ कम से कम उलमा के साथ, सुराहा के साथ, जो मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, जिन उलूम को लेने वाले लोग हैं, उनके साथ ताल्लुक जरूर बनवाए। हम खुद नमाज पढ़ने आ जाते हैं और आप घर के अंदर क्या करें कोई पता नहीं, नमाज बच्ची ने पढ़ी नहीं पढ़ी, बच्चे नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी कोई पता नहीं, ट्यूशन क्या है क्या है इससे बड़ा जोर होगा, स्कूल क्या था क्या इससे बड़ा जोर होगा, ऑनलाइन क्लास नहीं कभी इससे बड़ा जोर होगा। नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 24 घंटे में आधे घंटे के लिए सबक पढ़ने के लिए मिलता है, वो भी पढ़ने क्या भी क्या नहीं पूछेंगे। और बाप तहज्जुद भी पढ़ेगा, नमाज भी पढ़ेगा, मौलवी भी पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, घर के अंदर पता नहीं क्या चलता है। और फिर जब जुमे का एक दिन होता है, बाकी आम दिनों के अंदर वैसे ही नहीं होता, और जुमे का जब एक दिन होता है उसके अंदर भी बच्चों की कोशिश होती घर के अंदर ही रहे, बेटा तुम घर में नमाज पढ़ गया, तो बच्चा ये समझता है ये बाप के लिए मेरे लिए हुक्म नहीं नमाज, और घर के अंदर औरतों का नमाज का माहौल कोई नहीं,
औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, बच्चों को क्या पता चलेगा नमाज में कोई करने का काम है? बाप काम पे जा रहा है, बाप काम से आ रहा है, माँ काम कर रही है, माँ काम कर रही है, बच्चा भी समझता है ठीक है यही जिंदगी का मकसद है कि काम ही करना है बस। तो ये किताबें भी पढ़ाएं लेकिन साथ साथ इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। जब इस तरफ तवज्जो होगी तो यहां से जो इल्म हासिल हो रहा है वो क्या बताना है कि इफ़ाल मा तुमर, वो बच्चा जवाब दे रहा है कि अरे अब्बा जान आपने देखा कि आप मुझे जिम्मा कर रहे हैं, उसने ये नहीं कहा दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को सेवा करने की इजाजत दे दे, अकल के अंदर आने वाली बात नहीं है कि अल्लाह ने क्या हुक्म दे दिया कि आप मुझे जिम्मा कर रहे हैं, ऐसा कोई आगे से ये उज्जत नहीं हुई। इफ़ाल मा तुमर कर गुजरे जो होगा मेरा करें आप, और फिर आगे सजा जितनी इंशाअल्लाह मिन सबिरिन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे, मैं सबर भी करूंगा, छुरी चलेगी तो सबर करूंगा, अवकुआ नहीं होगी। और साथ ये भी बता दिया कि ये तरबियत देखे सदा जितनी इंशा अल्लाह मिन सबिरिन, सबर करना मेरे बस की बात नहीं है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे, ये मेरा कोई कमाल नहीं होगा। आज हमारा क्या होता है, हम अपने बच्चों को ये बना देंगे, क्यों कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चा बता रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते अगर अल्लाह ना चाहे तो। बाप नबी है, बेटा होने वाला नबी है, वो ये बता रहा है कि हमारे बस की बात नहीं है, नबी ज्यादा हो के भी मेरे बस की बात नहीं है, यहां जो दो चार जमाते पढ़ के पीर बन जाते हैं उसके बाद बच्चे की क्या क्या करो सब बख्शे बख्शाए होते हैं, नबी ज्यादा कह रहे मेरे बस की बात नहीं है, वो गद्दी ज्यादा तो फिर तो बहुत बुरी बात आ जाती है, वो कह रहे मेरे बस की बात नहीं है, इंशा अल्लाह मिन सबिरिन, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सबर का मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तबीयत के साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि हलाल लुकमा बहुत जरूरी है, हलाल लुकमा। पूरा दिन दुकान पे बैठ के आप मुझे बताए नमाज फर्ज है, नमाज का वक्त हो गया, मुअज्जिन की अजान की आवाज आ गई, मैं फिर भी दुकान खोल के बैठू नमाज नहीं पढ़ा, तो इस दौरान की कमाई नहीं हराम है कि हराम है क्या है कौन बताएगा? कभी मुफ्ती ने कहा से पूछा हमने कि मेरी दुकान में अजान की लाउड स्पीकर नहीं, हमारे लिए हमारे खिलाफ हुज्जत है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी हमारे खिलाफ हुज्जत है कि अजान की आवाज आई मुझे और मैं नमाज सीखने नहीं गया, ये लाउड स्पीकर सहूलत नहीं है और हुज्जत नहीं है बहुत बड़ी, लाउड स्पीकर नहीं है तो अजान की आवाज नहीं आई, कम से कम मेरा ये बता सकूं मुझे अजान की आवाज नहीं आई, लेकिन लाउड स्पीकर लगे हैं अजान की आवाज हर घर में हर दुकान में पहुंच रही है, जब नमाजी मौसिन बोला रहा है अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं नमाज से वक्त हो गया, परिवार छोड़ो नमाज के लिए आओ, आराम छोड़ो नमाज के लिए आओ, घर के काम काज को छोड़ो नमाज के लिए आओ, अपने सुखिया को छोड़ो अल्लाह बुला रहे आ जाओ, ये कमाई कहां जा रही है? फिर मुफ्ती ने कहा से पूछा मैं हलाल है हराम है, मैं धोखा दे रहा हूं कमाई हलाल है हराम है, ना तो मैं ऊपर नीचे का रहा कमाई हलाल है हराम है, तो हलाल लुकमा औलाद को खिलाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये भी और वालदैन के ऊपर जरूरी है, ये वालदैन की जिम्मेदारी हलाल लुकमा खिलाने वाला, अगर ये चाहते हैं कि कोई फरमा बरदार हो हमारे पास गुजार हो तो पहली चीज ये है कि औलाद को हलाल लुकमा खिलाए, और दूसरी चीज ये है कि जब वालदैन अल्लाह के फरमा बरदार होंगे तो औलाद भी वालदैन की फरमा बरदार होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वालदैन तो अल्लाह के ना फरमान हो और इस बात की उम्मीद लगा के रखें कि औलाद हमारी फरमा बरदार होगी, तो नहीं हो सकता। अगर ऐसी तरबियत ये बेटा कहे कि इफान मातुमा जो हुक्म मिले आप पर गुजरे, अगर ऐसी तरबियत चाहते हैं तो फिर चीजों का ख्याल रखना, अल्लाह की फरमा बरदारी में आएंगे तो आप फरमा बरदार होगी। हमारे एक साले मोहतर में अगर उनके सामने कोई अपनी औलाद की शिकायत करे तो सबसे पहले एक मुझे तो बताओ तुम अल्लाह के कितने फरमा बरदार, औलाद की शिकायत बाद में करते तुमने अल्लाह के इतने हुक्मों को तोड़ा है, कितने हुक्मों को माना है, जरा हिसाब लगा के बताओ।
अल्लाह की नाम अपनी जिंदगी कितने गुजारी है और अल्लाह के नाफरमान भी अपनी जिंदगी कितने गुजारे जरा हिसाब लगा के बताओ। आपकी हिसाब तो बाद में है ना, तुम अल्लाह के फरमाबरदार नहीं बन सके, तुम अल्लाह के शुक्र गुजार नहीं बन सके, तुम अल्लाह की किताब गुजार नहीं बन सके, तो ये कैसे मुझे लगा के रखते तुम्हारी बात तुम्हारी किताब गुजार होगी फरमाबरदार। तो पहला तकाजा ये है, ये सारा वाकया ऐसे ही किस्सा हो गया, वाकया हो गया, खत्म हो गया, जुड़ी नहीं चाहिए दुबे को जवाब करके बात करने को मैं जवाब कर दे। ये पूरा फलसफा है, एक तरबियत हो रही है, ये सारी हमारी तरबियत का हिस्सा है। वालदैन की जिम्मेदारी क्या है और आगे से औलाद की जिम्मेदारी क्या है। जब वालदैन कोई हुक्म कर रहे हैं तो औलाद ये ना कहेंगे क्या है क्यों क्या है, फिर औलाद ये कि ठीक है जो आप कहोगे हमारे साथ होंगे, जो आप हुक्म करेंगे वो हम मानेंगे, हम आपके हुक्म के गुलाम हैं। औलाद की जिम्मेदारी है, लेकिन वालदैन की कुछ जिम्मेदारी है, वालदैन की जिम्मेदारी पहले ऐड होती है। पहले वालदैन की जिम्मेदारी, बच्चा छोटा है उसके ऊपर कोई शिरक का हुक्म लागू नहीं होता, वो बोल नहीं सकता, वो अपनी जुबियात नहीं बता सकता, जब वो कुछ नहीं कर सकता तो वालदैन का भी समझने की सीखा क्या जरूरत है, अब बोलने की अपने लिए क्या है, वो यहां तक उसको समझते हैं। तो क्या बड़े होकर उसको इतना नहीं समझ सकते कि उसको अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर लगा दें। तो इसलिए वालदैन की जिम्मेदारी पहले बनती है, उनके हाथों में पल पड़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी पहली है कि वो औलाद की सही तरबियत करें। जब औलाद की तरबियत के अंदर वालदैन ने कसर नहीं छोड़ी तो फिर औलाद की जिम्मेदारी यह बनती है कि आगे से वालदैन को भी हुक्म कर दोगे कि कुरान बात होगा क्या जो चाहिए आप करते। और फिर सत्ता जी की इच्छा अल्लाह हुम्मा सबरी, तरबियत होगी अगर अल्लाह चाहेगा तो ठीक होगी, औलाद फरमा बरदार होगी तो अल्लाह चाहेगा तो होगी। दुनिया का कोई निजाम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं चल सकता, ये नबी ज्यादा बताता है, ये उसका पैगाम है, किसी गद्दी मशीन का नहीं है। अभी तो हमारे अंदर मान ले ऐसे फिरों की हालत ऐसी होती है कि जहरी हालत शरीर के खिलाफ है, वजह पता शरीर के खिलाफ है, जहरी वजह पता जहरी हालत की बात करते, दुनिया के अंदर रहते हैं हम जहरी हालत के मुकल्लफ है, जहरी हालत बंदे की कैसे, दुनिया जाहिर को देखती है और आखिरत के अंदर बातें का हिसाब होता है, दिल के अंदर क्या चल रहा था। जाहिर के अंदर एक आदमी किसी के साथ हमदर्दी करता है और हमदर्दी के अंदर किसी को गोली लग जाती है वो मार देता है उसको, अब उसके दिल के अंदर क्या चल रहा था, क्या था, क्या हमदर्दी थी क्या नहीं थी, जाहिर में इसको पता नहीं है, इसको सजा होगी जाहिर के अंदर। अब बातें क्या है वो अल्लाह जाने और अल्लाह का काम है। आज हमारा बड़ा मसला ये भी है कि हम लोगों के बातें के फैसले करने लगे, उसने ये नमाज पढ़ी है, छोड़ो ये नमाज क्या पढ़ी अल्लाह को दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ी है, ये तो भले मनों की नजर में आने के लिए किसी बात नहीं, कितनी गलत बात है। और जब किसी आदमी को देखेंगे कोई बेचारे की क्या वजह पता नमाज पढ़ने के लिए आ गया, यहाँ तक की बात नहीं थी, इसकी हालत देख इसकी कपड़े ऐसे इसकी शक्ल ऐसी नमाज पढ़ने के लिए आ यहाँ तक बात नहीं, हम जाहिर के मुकल्लफ है, जाहिर के जाहिर में नमाज पढ़ने आ रहे हमारे लिए काबिल एहतराम है, बाकी हालत जो भी है उसकी नमाज पढ़ रहे काबिल एहतराम है, कुरान पढ़ रहे काबिल एहतराम है, हमारे लिए बुजुर्ग यही है जो शरीर शरीर का पाबंद है, अंदर की हालत क्या चलती है वो अल्लाह का उसका मामला है। बहरहाल नबी ज्यादा बता रहा है कि सरदार जितनी इंशाअल्लाह हम सबरी कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। अब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के सामने बच्चे को लिए और चल दो इस हवाले से इंशाअल्लाह मजीद कुछ भी दो मसले से समझने को कि आप लोग इससे भी आ रहे हैं और कुर्बानी की जन्नत भी लेके आ रहे हैं। एक दो बातें मोटी मोटी बता दूँ, पहली बात यह कि बड़े जनरल में सात हिस्से होते हैं और सात हिस्सों में से ये दो तीन बातें आ गई। एक तो अगर आपके साथ कोई शिया शरीक है, क्योंकि शिया अगर काफिर है इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आपके कुर्बानी के जानवर में शिया शरीक है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। सात हिस्से होते हैं, सात में से आपने एक हिस्सा किसी शिया को ले लिया काफिर है, कुर्बानी सात की सात गई, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह किसी कादियानी को शरीक कर लिया तब भी कुर्बानी नहीं होगी, किसी मुशरिक को शरीक कर लिया तब भी कुर्बानी नहीं होगी, ये बात याद रखिए। क्योंकि मुशरिक अमल अल्लाह के लिए नहीं करता,
मुश्रिक अमल रेगुलर के लिए करता है इसलिए गुनाह नहीं। दूसरी बात, जबा के लिए भी अगर किसी शिया से जबा करवा लिया वो काफिर है, कुर्बानी नहीं होगी। किसी कादियानी से करवा लिया कुर्बानी नहीं होगी, किसी मुश्रिक से करवा लिया कुर्बानी नहीं होगी। इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जबा भी सही वकीला इंसान होना चाहिए और जो शरीक हो कुर्बानी के अंदर वो भी सही वकीला होने चाहिए। इन अगर इस आयत वाले को शरीक करके तहकीक करें आप सब कुर्बानी के अंदर पहुंचे जो बंदे हैं वो ठीक है। कमाई हराम होनी चाहिए, हराम की कमाई होगी कुर्बानी किसी की होगी। एक हिस्सा हराम का आ गया, बाकी छह हिस्से बेशक हराम के हो किसी की एक बड़ी होगी। ये बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये मोटी मोटी चीजें क्योंकि हिस्से डालने तो एक दो चीजें ऐसी बताना जरूरी थी सुनते आता।